गुड मॉर्निंग गाइस, और गुड मॉर्निंग के बजाय आफ्टरनून को तो अच्छा होगा क्योंकि बस 12 बजने में 5 मिनट कम है। तो कल मैंने आपको बताया था कि डाउन शिफ्टिंग ऑफ गियर कैसे किया जाए, जब आप कोई कॉर्नरिंग पे इंटर करते हो या कुछ करते हो तो आप कैसे डाउन शिफ्टिंग ऑफ गियर करना है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं अप शिफ्टिंग ऑफ गियर विदाउट यूजिंग क्लच। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, और फिलहाल गुड आफ्टरनून कहा जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो गुड नून। और आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ काउंटर स्टेयरिंग, काउंटर स्टेयरिंग किस तरह से काम करता है। और कहीं ना कहीं आप लोग अगर जिनको काउंटर स्टेयरिंग के बारे में पता नहीं तो वो भी अनजाने में यूज़ करते हैं काउंटर स्टेयरिंग। तो हर चीज़ का एक डेमो दिखा के कुछ होता है, तो मैं आपको चलिए एक डेमो दिखाता हूँ कि काउंटर स्टेयरिंग एक्चुअली चीज़ क्या है, उसका काम क्या है, उसका फ़ायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये गाड़ी कर ली स्टार्ट, और काउंटर स्टेयरिंग समझने के लिए मुझे आइडियल जगह चाहिए था, खाली जगह चाहिए था, तो इसलिए मैंने, और ये भागलपुर के जाने के लिए रास्ता है दोस्तों, एकदम क्लीन टू लेन रोड, सो वी आर रेडी। ओके, चलिए अब समझते हैं, कहीं पे भी आएगा अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए गौर से देखिएगा दोस्तों, मैं अपना हैंडल बाएं तरफ दाब रहा था, यानी कि लेफ्ट साइड दाब रहा था। तो लॉजिक के हिसाब से अगर हम कोई चीज़ बाएं तरफ दाबते हैं तो वो बाएं तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए, पर मेरी गाड़ी तो दाएं तरफ भाग रही थी। फिर एक बार देखते हैं, ये देखिए वाइट लाइन है, जो वहाँ पे कॉर्नर आएगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। समझ में आया दोस्तों, मैंने राइट साइड से कॉर्नर लिया, मैं राइट तरफ प्रेशर मार रहा था, तो मेरी तो गाड़ी राइट तरफ ही जानी चाहिए था, पर मेरी गाड़ी लेफ्ट तरफ भाग रही थी। तो ये है काउंटर स्टेयरिंग। अगर आप बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ दाब रहे हो, उंगली से मैं दिखा रहा हूँ, बाएं तरफ दाबोगे तो गाड़ी राइट तरफ जाएगी, अगर दाएं तरफ भागोगे तो गाड़ी बाएं तरफ जाएगी। तो ये काउंटर स्टेयरिंग का काम है, और यही फायदा है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा कॉर्नरिंग करने पे है। अगर आपको पता है कि काउंटर स्टेयरिंग किस तरह से काम कर सकता है तो आप पैनिक नहीं होगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस चीज को दोस्तों अच्छे से, चलिए। और एक चीज, काउंटर स्टेयरिंग 40 के अबव पे ही काम करेगी, उससे नीचे 10-20 के स्पीड में काउंटर स्टेयरिंग काम नहीं करती। हम पहले देख लेते हैं, ये ब्लाइंड कॉर्नर लड़की है, अब देखिएगा दोस्तों ये कॉर्नर आ रहा है और ये काफी अच्छा व्यू है, पर ये देखिए मैंने लेफ्ट दाबा था तो राइट गई, अब राइट दाबूंगा तो लेफ्ट भाग रही है गाड़ी। तो ये इसके पीछे दोस्तों नियम है, यही है काउंटर स्टेयरिंग। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रोक के दिखा देता हूँ कहीं पे आपको कि एक्चुअली काउंटर स्टेयरिंग काम किस तरह से करता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि काउंटर स्टेयरिंग आप एक उंगली से भी कर सकते हैं, अगर एक उंगली पे इस तरह से रखोगे, पर कॉर्नर पे तो ये चीज रिकमेंडेड नहीं है। एक उंगली तरफ अगर हल्का सा भी प्रेशर इस तरफ रहेगा तो गाड़ी दाएं साइड भागेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चीज है, काम करती है, रिवर्स होगा कुछ भी चीज़ का। अगर लेफ़्ट दाबोगे तो गाड़ी राइट जाएगी, अगर राइट तरफ दाबोगे तो गाड़ी लेफ्ट जाएगी, और ये काम तभी करेगा जब 40 के स्पीड के ऊपर आप होगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैं यहीं पे कहीं पे आई बटन पे आप देख लोगे, मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, तो आपको डाउन शिफ्टिंग और गियर समझ में आ जाएगा कि रेव मैचिंग किस तरह से किया जाता है। और आज मैंने आपको काउंटर स्टेयरिंग के बारे में बताया, कल मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा जो मुझे पता है इतना सिंपल है कि लोग या तो ध्यान नहीं देते या तो कभी सोचते नहीं कि ये भी चीज़ होता है। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं दोस्तों। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। तो चलिए अब चलते हैं, एंड राइड हार्ड एंड राइड सेफ एंड राइड विद प्राइड गाइज़, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।